हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि एएलपी का बहुत सारा न्यूज़ वायरल हो रहा है कि एएलपी का वैकेंसी आने वाला है, तो उसी के मतलब टॉपिक को लेकर के मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कि एएलपी का वैकेंसी 2023 के फर्स्ट स्टार्टिंग मंथ में आने वाली है या 2022 के लास्ट एंड में। तो आज का मेनली टॉपिक कवर करूंगा कि एएलपी का वैकेंसी क्या 2023 में आने वाला है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। जो भी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को पूरा कंप्लीट डिस्कशन मिलने वाला है कि एएलपी का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है और क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरी कितना मिलता है और आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या 2023 में वैकेंसी आने वाला है एएलपी का। तो देखिए, हम लोगों के समय जो वैकेंसी आया था वो आपका 2018 में फरवरी में देखने को मिला था, तो चांसेस, मैक्सिमम चांस है कि 2023 में स्टार्टिंग मंथ में वैकेंसी आ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी रिटायरमेंट होने वाले हैं और जो भी 2018 का एएलपी वैकेंसी जो आया था वो सारा क्लियर हो चुका है सारे बोर्ड में। तो मैक्सिमम चांस है कि अपकमिंग वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन 2023 के स्टार्टिंग मंथ में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि एएलपी का जॉब क्या होता है और एएलपी पोस्ट है क्या और इसमें क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलते हैं, कितने सैलरी मिलते हैं, और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इसमें मतलब आपको काम क्या करना पड़ता है मेनली, और इसमें मतलब सैलरी कितना तक जा सकता है और आपका प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है, क्या इस पोस्ट से दूसरे पोस्ट में जा सकता है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एएलपी का जॉब होता क्या है। तो एएलपी आपका मेनली लोको पायलट का मतलब अंडर में रहते हैं, उनका मतलब हेल्प करते हैं। जैसे कि लोको पायलट अपने जब भी लोगों को चार्ज लेने जाते हैं तो एएलपी भी उनके साथ जाता है, और सबसे पहले एएलपी का काम रहता है कि हर एक पार्ट्स को मतलब जितने भी लोगों के पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को चेक करेगा पहले अच्छे से, और अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले रिपोर्ट करेगा ये लोको पायलट को, ताकि लोको पायलट टीएलसी से परमिशन ले सके कि हाँ ये लोको सूटेबल है कि नहीं आगे जाने के लिए, और अगर टीएलसी परमिशन दे देता है तभी उस लोको को डेस्टिनेशन तक लेके जाया जाता है। तो मेनली एएलपी का काम यही होता है कि वो सारा लोको को चेक करना उनका काम होता है, उसके बाद आपको सारा कुछ सिग्नल वगैरह प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सिग्नल सारा कुछ पता होना चाहिए, और आपको स्पीड रेस्ट्रिक्शन पे मेनली ध्यान रखना है कि लोको पायलट कहीं ओवर स्पीड चल रहे हैं तो उनको अवेयर करना है कि हाँ आप ओवर स्पीड चल रहे हैं मास्टर, तो थोड़ा कम कर दीजिए स्पीड। तो ये सारा जॉब है और आपको एकदम फ्रंट लाइन में वर्किंग करना है, क्योंकि लोको में आप और लोको पायलट ही मिल करके गाड़ी चलता है और पीछे गार्ड रहते हैं। तो गार्ड का एएलपी का मतलब कितने घंटे काम करना पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो एएलपी को मेनली कोई घंटा फिक्स नहीं रहता है, ऐसे आप 8 आवर्स में मिनिमम आपको 8 आवर्स करना पड़ेगा ड्यूटी, क्योंकि 8 आवर्स के बाद आप मेमो दे सकते हैं कि मुझे रिलीव करवाया जाए। तो मैक्सिमम आपका अगर आप 8 घंटे हो गए और आपका डेस्टिनेशन तक बिल्कुल नहीं पहुँचे हैं तो कहीं क्रू चेंजिंग पॉइंट होगा जिस लॉबी मतलब आपके जिस सेक्शन में जा रहे हैं वहाँ क्रू पॉइंट चेंजिंग लॉबी होगा, तो वहाँ पे आप मेमो दे दीजिए मतलब उसके पहले स्टेशन में, तो आपका क्रू चेंजिंग पॉइंट में आपका क्रू चेंज रिलीव करवा दिया जाएगा। तो आपका एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं है, मगर मिनिमम 8 आवर्स आपको वर्किंग करना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सारे लोग पूछते हैं कि सैलरी कितना मिलता है एएलपी को, तो स्टार्टिंग में तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि ये आपका इसमें रनिंग अलाउंसेस मिलते हैं उसके वजह से सैलरी बूस्ट हो जाता है। तो आपको स्टार्टिंग सैलरी वही 35 to 50 के अप्रोक्स देखने मिलेंगे, और वो आपका बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड में सिलेक्शन लिए हैं, किस सिटी में आपका पोस्टिंग हुआ है। सपोज़ आप दिल्ली में पोस्टिंग लेते हैं तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 55 के आपको देखने को मिलेगा, 60 भी बनते थे मेरे फ्रेंड लोग के, तो इतना सारा सैलरी आपको स्टार्टिंग में देखने मिलेगा और सैलरी बहुत ही अच्छा है। तो आप सैलरी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, इस जॉब में आ रहे हैं तो सैलरी आपको मिले। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है छुट्टी कितना मिलता है, क्योंकि छुट्टी बहुत लोग पूछते हैं कि
कितना मिलता है छुट्टी। तो छुट्टी आपका मेनली 15 LAP मिलता है जिसको लीव एवरेज पे बोलते हैं, और 10 कैजुअल लीव मिलता है ईयरली। तो आपका टोटल 15 15 और 10 10 40, और आपका LHIP भी मिलता है, जो आपका जब तबीयत मेडिकल वगैरह अनफिट होता है तब उस छुट्टी को यूज़ किया जाता है LHIP। तो आपका छुट्टी मेनली इधर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि 10 CL मिलता है जो कि आपका ईयरली ख़त्म हो जाता है, और LAP क्या होता है अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो आपका एड होते जाता है। तो मेनली आप कोशिश करते हैं हम लोग कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी मतलब CL को ख़त्म करें पहले, फिर LAP यूज़ करते हैं। तो पास मिलता है ALP को 8 PTO मिलता है, और 2 प्रिविलेज पास मिलता है जिसको आप प्रिविलेज पास मतलब होता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कहीं भी 3rd AC में ट्रेवल कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, आने और जाने दोनों का मिलता है। और PTO में 8 PTO मिलता है। तो PTO मतलब क्या होता है कि उसमें आपका 33% चार्ज किया जाता है पास का। तो ये आपका पास का मतलब क्राइटेरिया है, आपको पहले अप्लाई भी करना पड़ेगा पास के लिए, तभी आपका जो हेडक्वार्टर में जो क्लर्क है वो वेरीफाई करके आपको एक UPN नंबर देंगे, उसके थ्रू आप पास के थ्रू अपना फ्री ऑफ कॉस्ट में टिकट करा सकते हैं। तो पास फैसिलिटी अच्छा है रेलवे में। तो मेडिकल फैसिलिटी के बारे में जानते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी किसको किसको मिलता है। तो मेडिकल फैसिलिटी मेनली आपके फैमिली को मिलेगा, जिस सपोज आपके मदर है और आपके फादर नहीं हो तो आपके मदर को भी मिलेगा, और आपके वाइफ और जो भी चिल्ड्रन है उन लोगों को मिलता है मेडिकल फैसिलिटी। आप रेलवे हॉस्पिटल या फिर उसमें उम्मीद कार्ड के थ्रू आप कोई भी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। तो अब जानते हैं LP के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो LP के लिए आप में प्लस सबसे पहले तो आपको 10th पास होना होगा, उसके बाद आपको 10th पास होने के बाद आपका ITI भी कर सकते हैं, फिर डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर 10+2 होने के बाद आप BTEC भी कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है इसमें कि आप BTEC और अगर डिप्लोमा करेंगे तो आपको सिर्फ LP पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आप टेक्नीशियन पोस्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर आपका 10+2 करके आप मतलब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं तो टेक्नीशियन पोस्ट में जा सकते हैं। लेकिन AI वालों का एक फ़ायदा है कि आप LP और टेक्नीशियन दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, और दोनों में सिलेक्शन में से किसी एक में ले सकते हैं। सपोज़ आपका आपको LP नहीं बनना है तो आप टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो LP का मेनली आपका 4 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहला स्टेज होता है स्टेज 1 जिसको CBT 1 बोलते हैं, फिर CBT 2 होता है, फिर उसके बाद साइको एग्ज़ाम होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसको ईजी भी बोल सकते हैं या डिफ़िकल्ट भी। तो बहुत लोगों के लिए ईजी होता है, बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें इसी एग्ज़ाम में मैक्सिमम लोग बाहर हो जाते हैं। तो इसमें उसके बाद आपको मेडिकल होता है, तो टोटल 4 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है LP का। तो अब बात करते हैं कि LP को क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, एकदम अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सेल अलाउंस मिलता है, नाइट अलाउंस मिलता है, और किलोमीटर अलाउंस मिलता है जो कि रनिंग स्टाफ को दिया जाता है। उसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद ईयरली आपको ड्रेसिंग अलाउंस दिया जाता है। तो इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं, और आपको ALP में आने के बाद ये सारे अलाउंसेस ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग के बाद सारे अलाउंसेस मिलने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने जो अभी आपको डिस्कस किया, ये सारा इन्फॉर्मेशन ALP रिलेटेड और टेक्नीशियन रिलेटेड था। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, एक लाइक और शेयर करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी अपना करते रहिए, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको तुरंत आंसर दूंगा। और आपसे कोशिश करूंगा डेली आप लोगों के लिए कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मतलब तैयारी के रिलेटेड और भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूं ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।